हेलो एवरीवन सो माई सेल्फ एंशुल एंड वेलकम टू माय चैनल मिस बोटन ऑफ एंड इन टूडेज वीडियो आई बी टेलिंग यू अबाउट द टॉपिक हैबिटेड तो आज की वीडियो में हम लोग हैबिटेड के बारे में पढ़ेंगे मैं यहां पे तीन वीडियोस को एक सीरीज में अपलोड करूंगी फर्स्ट इज द हैबिटेड सेकेंड इज अक एंड द थर्ड इज अ डिफरेंस बिटवीन द हैबिटेड एंड अ नेक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग इकोलॉजी सो जनरली हैबिटेड क्या होता है नेट क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैल दैबिटेड

मेंट है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम रह रहा है ठीक है और वो वहाँ रहकर उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है किसके लिए सर्वाइवल के लिए फूड के लिए शेल्टर के लिए प्रोटेक्शन और मेटिंग के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर लैंग्वेज में बायोटिक और, और एबायोटिक भी बोलते हो तो फिजिकल वाले को हम लोग एबायोटिक फैक्टर भी बोलते हैं और बायोलॉजिकल वाले को हम लोग बायोटिक फैक्टर भी बोलते हैं तो फिजिकल फैक्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या आता है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल नेचर लैंड अवेलेबिलिटी Climatic condition, sunlight and temperature. तो ये सब क्या करती है? को effect करती है और वही अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बोलेंगे तो जैसे फूड की अवेलेबिलिटी है और दूसरा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रिडेटर राइट नेक्स्ट वी हैव इज मेन कम्पोनेंट ऑफ द हैबिटेट तो जनरली एक हैबिटेट का क्या क्या मेन कंपोनेंट होता है सबसे पहले वी हैव अच्छा फूड शेल्टर एंड वाटर ये चारों को जनरली बोला जाता है कि ये मेन कंपोनेंट होते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट के इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है फूड वी अकॉर्डिंग टू स्पीसी बट कॉगर्सिट्री टेरिटोरियल एनिमल फोर फिफ्टी फाइव स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड टू हंड तो जनरली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्पेस एक ऑर्गेनिज्म लेता है वो उसकी साइज पे भी डिपेंड करती है और दूसरी जो एंड होती है वो कॉलोनी में रहती है कॉलोनी में रहने के बाद भी उनको सिर्फ कुछ

जाता है तो आप बोलते हो कि भाई इससे हमारा गार्डन ख़राब हो रहा है तो आप उसको तोड़ देते हो उसको हटवा देते हो वहाँ से तो आपने क्या किया कि एक ऑर्गेनिज्म जो आंट थी उसकी हैबिटेट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया ठीक है वैसे ही आपने देखा होगा कि कॉकरोच का अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो कि एक आपकी किचन में कहीं पर रह रहा होता है आप क्या करते हो स्प्रे मार देते हो उस पर हिट जो कि बहुत कॉमन होता है तो उससे क्या होता है आप उसकी हैबिटेट को ख़राब कर देते हो आपने उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये था कुछ मैन मेड लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है अगर नेचुरल के बारे में कहेंगे नेचुरल जिसमें हम लोग खुद अपना सफर करते हैं इस चीज को हमारा खुद का क्या होते है? हो जाता है तो, तो अर्बाइजेशन पॉल्यूशन डिफॉर एग्जाम्पल था स्मॉल लेवल पर अगर हम लार्ज लेवल के बारे में बोलेंगे एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट था वहां से अच्छे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे थे अपने उसको कटवा दिया वहां से वो फॉरेस्ट को क्यों ताकि हम लोग वहां पर इंडस्ट्री खड़ी कर सके तो इससे हमने कितने सारे ऑर्गे हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वही चीज है कि जो हैबिटेट होते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती है अलग अलग एक्टिविटीज के साथ ये टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है अब ये एक्टिविटीज नेचुरल भी हो सकती है या फिर ये मैनमेड भी हो सकती है हां दिस इज द एग्जांपल फॉर हैबिटेट विद बहुत सारे हैबिटेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं मैंने जस्ट यहाँ पे ग्रासलैंड का एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कोई भी एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर दो लाइक ग्रासलैंड ग्रासलैंड से आप क्या समझते हो एसलैंड जहाँ पे बहुत सारी ग्रास होती है तो सबसे पहले ग्रासलैंड को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव मोर ग्रास सेकंड दे हैव मोर रेनफॉल देन डेजर्ट बट लेस देन फॉरेस्ट तो यहां पे बारिश क्या होती है डेजर्ट के कंपैरिजन ज्यादा होती है लेकिन फॉरेस्ट के कंपैरिजन कैसी होती है यहां पे कम होती है जो ग्रासलैंड तो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है और एक टेम्पोरल ग्रासलैंड होता है ट्रॉपिकल और टेम्पोरल को हम थोड़ा सा कंपेरिजेट करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल होते हैं वहां पे फ्यू ट्रीज देखने को मिलते हैं और टेम्पोरल में क्या होते हैं बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल की अगर हम बात करेंगे तो जनरली ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तो वहीं पर टेम्पोरल मोस्टली कहाँ डोमिनेटिंग होता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसके अलावा ग्रासलैंड में कुछ कॉमन एनिमल और कुछ कॉमन प्लांट्स है जहाँतर जराब जेबरा बफेलोज एंड बीज देखने को

शार्क एंड स्ट्रिंग रेट ठीक है तो यही सब हैबिटेट के अंदर आता है तो अगर आपका एग्जाम में हैबिटेट आता है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो यू कैन राइट अबाउट द बेसिक डेफिनेशन उसके बाद से क्या उसके कंपोनेंट होते हैं उसी चीज़ की जो हैबिटेट होते हैं उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बाद से आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक हैबिटेट इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू